गुरु जी लख लख शुक्राना ननकम शुक्राना। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आंटी अंकल नताशा आंटी अंकल आपको, इतनी सुंदर आपको ब्लेसिंग दी गुरु जी ने। और अभी आपने कितना सुंदर शुक्राना सुना कि गुरु जी ने गृह प्रवेश कराया, आपका शुक्राना। हमें हर हाल में शुक्राना करना चाहिए। मैंने हमेशा से नताशा आंटी को देखा है, बड़ी पॉजिटिव रहती हैं शुरू से, कभी नहीं देखा मैंने उनको कोई किसी को कंप्लेंट करते हुए देखा, कभी शिकायत करते हुए, कभी इधर उधर की करते हुए नहीं देखा। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं, आते हैं मंदिर में सत्संग में आते हैं और अपना सेवा करके अपना सत्संग सुन के चले जाते हैं। यही हमें गुरु जी ने कहा है, गॉसिप नहीं करनी है। तो गॉसिप का मतलब होता है अगर हम इतना अच्छा सत्संग सुन के और करने के बाद अगर हम वही गॉसिप में लग जाते हैं, किसी की निंदा चुगली करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, उसने ऐसे कह दिया, वो ऐसे नहीं आया, वो मेरे घर कुछ लेके नहीं आया, मैं उसके घर कुछ लेके नहीं गई, ये सब चीज़ें यहाँ पे कोई मायने नहीं रखती इस दरबार में। यहाँ पे सिर्फ गुरुजी मायने रखते हैं जिनके लिए आप आते हो। और आंटी ने मेरा वो आज लाइन ही बोल दी कि दूर से आती है बुलबुल आंटी। हम अब कल ही हमारा हम कल बड़े मंदिर जा रहे थे तो मेरी एक किसी कज़न से बात हो रही थी और कल ही मुझे गुरुजी ने ये वाला टॉपिक दिया था। मैंने सोचा आज मैं ये सत्संग शेयर करूंगी। जब मैं सोचती हूँ ना ये सत्संग शेयर करूंगी, गुरुजी उस पर स्टैंप लगा देते हैं, बुलवा देते हैं जिससे। तो हम यही बात कर रहे थे कि पहली बात तो ये है कि बड़े मंदिर की और दूसरी बात सत्संग की। आपको सत्संग में जब भी कोई बुलाता है, कभी भी कहीं से बुलावा आता है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे आपके संगत है, चाहे वो कोई भी है, हमें कभी भी अगर हमारे मन में ये भाव आता है और हम कहते भी नहीं है ना किसी को, हम बोले ना और हमारे मन में ये भाव आ गया कि अरे इनका घर तो बड़ी दूर है, मैं जाऊंगी कैसे, और ये आया पहला भाव। सेकंड भाव ये आ जाता है, चलो हमें तो गुरुजी ने सेवा बख्शी, हम तो हमारा तो काम है रोज की यात्रा करना, चाहे 2 लगे घंटे चाहे 10 लगे। अब हमारे मन से वो बात निकल गई है। लेकिन मैंने बहुत सारी संगत को देखा, कोई मेरे घर भी आता है दूर दूर से या मैं कहीं जाती हूँ तो उनके रिश्तेदार होते हैं, सारा सत्संग खत्म होने के बाद ना पहली लाइन एक ही बोलते हैं, हाय तेरा घर बड़ी दूर है गया। और रास्ते भर उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि यार इतना जाम दे दिया गुरुजी आपने, ये तो बड़ी गलत बात है, पता नहीं आपके तो हम कब से कहाँ पहुंच गए होते। अरे या फिर तीसरा नेगेटिव थॉट, जिसके घर सत्संग में जा रहे हो उसको भेज रहे हो, इसको क्या जरूरत थी इतनी दूर घर लेने की, थोड़ा दिल्ली में ही ले लेती जो दिल्ली से आए हैं, अरे थोड़ा गुड़गांव में ले लेती, भैया जहाँ आप रहते हो वहीं घर ले लेती, वो तो फिर सारे घर बन जाएंगे उसके। तो यही कल गुरुजी हम आपस में एक हम बड़ा हेल्दी डिस्कशन कर रहे थे मेरी कज़न और मैं, तो वो यही कह रही थी। मैंने कहा तू बड़े मंदिर नहीं जाते तुम, तो वो कहती है दीदी मैं ना बड़े मंदिर जाती हूँ लेकिन मैं कभी कभी जाती हूँ। कहती मैंने बहुत लोगों को देखा, मैं जिस सत्संग में जाती हूँ मैं वहाँ देखती हूँ, और मैं बड़े मंदिर वालों के साथ जब जाती हूँ तो वो सारे रास्ते एक ही बात कर रहे होते हैं कि हमारे घर से बड़ा मंदिर बहुत दूर है, और वो बातें नहीं करे सेवादार, और वो पूरे रास्ते एक ही बात करते जाते हैं, हाय राम इतनी दूर है, हाय अब जाम मिल गया। तो वो और मैं उसको ये बोल रही थी कि छतरपुर में अगर शादी होती है किसी फार्म हाउस में तो हम वहाँ पहुँचते हैं। हम कभी भी अपने उस रिलेटिव को जिसके बच्चे की, सपोज करो हमारे अपने सगे भाई के बच्चे की शादी है, अपनी सगे जेठ के बेटे की शादी है या बेटी की है, तो हम कभी भी ये बात नहीं बोलते हैं कि अरे बहुत दूर है, हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं, हमें सारे अरेंजमेंट देखने होते हैं। पर हम गुरुजी के मंदिर या कि सत्संग में जाते होंगे, क्यों भाव अपने मन में लेके आते हैं कि नहीं नहीं ये तो बड़ा दूर है, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया यहाँ आना। तो आपका उस सत्संग में और बड़े मंदिर में जाना बिल्कुल व्यर्थ है, फिर तो आप घर में बैठो। हम यही बात कर रहे थे कि जो इस तरीके की उसके अंदर अभी उथल पुथल चल रही है ना, तो फिर उसको घर बैठे ही गुरुजी दर्शन दे देंगे। एक तो गुरुजी कहते हैं तो तुम मेरे मंदिर आ रहे हो और ऊपर से तुम मुझे ही एहसान दिखाते हो, और सत्संग में आ रहे हो तो मुझे ही मेरे ऊपर ही भार डाल देते हो कि मैं तो तुम्हारे सत्संग में आया गुरुजी कि आपने बुलाया था। हमें किसी भी सत्संग में, किसी भी मंदिर, किसी भी गुरुद्वारे में अगर हमें जाना है ना, हमें अपने लिए जाना है संगत जी, हमें अपने कर्म कटवाने के लिए जाना है, हमें अपने खुद को ब्लेस कराने के लिए जाना है, हमें उस परमात्मा का, उस प्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए जाना है। अब लोग अमृतसर जाते हैं, गोल्डन टेम्पल जाते हैं, हमें हमारी हर महीने की अभी सेवा बख्शी हुई है गुरु जी ने, और अमृतसर गोल्डन टेम्पल इतनी इतनी दूर शताब्दी में या ट्रेन में या गाड़ी में जाते हैं,
चले जाएंगे, भाव से जा रहे हैं घर से, बड़ी एक्साइटमेंट होती है, निकलते हैं बड़े भाव से, लेकिन जब घर आ रहे हो तो घर कब आएगा है, इतनी गर्मी थी हमें जाना ही नहीं चाहिए था। आपकी सारी ब्लेसिंग वहीं पे खत्म, आपका जाना मिट्टी में मिल गया, क्योंकि आपने तो भगवान को ही वो अपने से ऊपर बना, अपने से नीचे कर दिया, आप ऊपर हो गए ना। जब हम प्रभु से ये बात कहते हैं, कह रहे हमने तुम्हारे द्वार पे आके गलती कर दी, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने अपने कई रिलेटिव्स को भी देखा है, एक ही बात बोलते हैं, आज बड़े मंदिर आ गए हैं तुम्हारे कहने से, अब नहीं आएंगे, वही बड़ी गर्मी है, बड़ी दूर है। लेकिन देखो बड़े मंदिर वाले तो आपके घर भी चले आते हैं, वो तो रोज आ रहे हैं सत्संग में गुरु जी, उनको तो दूर नहीं लगता आपका घर, वो नहीं आते क्या चल चल के आपके घर से, कुछ भी सोच लो उड़ के आते हैं, कैसे भी आते आते तो है, अपना टाइम तो निकालते हैं आपके लिए। जब वो आपके लिए अपना टाइम निकाल के अपना, कब से आना शुरू होते हैं, जब से सेवादार आते हैं, जब से सेवादार भी छोड़ दो, जब से संगत सत्संग की तैयारी शुरू कर देती है, कितने दिन पहले तैयारियां होती हैं, अरे ये भी लाना है, वो भी लाना है, फूल वाले से कहना है, लंगर वाले से कहना है, चाय में ये बनेगा वो बनेगा, तो तभी से गुरु जी आपके घर आना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब सुबह से शुरू होती है शुरुआत, गद्दी लगानी है, ये करना है, गुरु जी पहले ही आ गए, किचन हलवाई आ गया, वो तो पहले हलवाई को आके देख गए हैं क्या बन रहा है, आप लोग तो बाद में आते हो, गुरु जी तो पहले आ गए, कितना वेले हैं गुरु जी हमारे, जो सबके लिए रोज आना चले आते। आज एक टाइम में गुरु जी दिल्ली में है, आज एक टाइम में गुड़गांव में है, दूसरे टाइम में यूएस में, तीसरे उसी समय कैनेडा, उस समय ऑस्ट्रेलिया के संगत को ब्लेस कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। जब वो परमात्मा आपको आके कभी एहसान नहीं दिखाता तो तुम क्यों दिखाते हो? ये आज कल हमने बड़ा अच्छा डिस्कशन किया, मैंने सोचा आज मैं शेयर करूंगी कि वाकई में वो संगत जो बड़े मंदिर जाते हैं या जो भी किसी सत्संग में जाते हैं, कभी अपने मन में ये भाव मत लेके आया करो प्लीज़, कि हमें बहुत दूर लगा। और आपको